अब ये कमाल की गन है। हाय दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। हाय दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। आपके सामने है एक एयरसॉफ्ट टॉय गन, काफी सस्ती गन है, ये सबसे सस्ता गन में से एक है। अब ये कमाल की गन है, देख पा रहे हो, ये फुल साइज की है, ये महंगी नहीं है। आपने 1911 हमारे वेबसाइट पे देखा होगा, वैसी गन है। और बट ये CO2 पावर्ड नहीं है, इट्स अ स्प्रिंग पावर्ड गन। ये गन आपको चला के भी दिखाएंगे। ये कहते तो हैं इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है, बट आजकल बहुत सारे मैन्युफैक्चर जो है सिर्फ कहते हैं इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है, कई बार वो बाहर से मंगाते हैं, कई बार देर इज कन्फ्यूजन, बट ओके ठीक है ना। ये 1911 गन है, इसकी कॉपी है, और इसका डिज़ाइन आप देख सकते हो, इसके ऊपर जो ये वाइट वाला पार्ट है, इट लुक्स अमेजिंग। और ये काफ़ी कूल है इसका ग्रिप। मैं चाहता हूँ कि आप नीचे कमेंट करके बताएं 10 में से आप कितने पॉइंट देना चाहेंगे इसे। लेट्स सी कि कितने पॉइंट देते हैं। अब ये चलता कैसे, स्प्रिंग पावर्ड है, मतलब इसका मैगजीन ऐसे। पहले जब मैं छोटा था तो इस ऐसी गन्स जो थी मेरे ख्याल से 25-30 रुपए में खरीदता था। पहले ये गन्स काफ़ी इजीली आई गेस चाइना से इम्पोर्ट होती थी और वो डब्बे में आया करती थी। आजकल वैसी गन्स आ नहीं रही हैं, जो कि अच्छी बात है, हमें चाइना पे निर्भर होना नहीं चाहिए, हम इंडिया में बना सकते हैं, तो इट्स ग्रेट। और एनीवेज चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर अराउंड 15 से 20 गोलियाँ डल जाती हैं, ये प्लास्टिक की गोलियाँ हैं, और इसे आपको बार बार ऊपर से पुल करना है और फायर करना है। आपने भी बचपन में ऐसी गन्स चलाई हैं या खरीदी हैं तो आपको एक बहुत बड़ा एरर दिखा होगा। एरर क्या होता है कि इसके अंदर का जो एक पार्ट टूट जाता है, वो टूटता क्यों है, जब आप डबल फीडिंग करते हैं। डबल फीडिंग क्या होता है, जब आप इसे पुल करते हैं तो आपसे दो बार पुल करते हैं तो दो BBs एक साथ इसके बैरल में घुस जाती हैं, और उसकी वजह से जो है जो उसका फायरिंग का पिन है या उसको फायरिंग का पार्ट है वो टूट जाता है, उसकी वजह से आपकी गन डैमेज हो जाती है। तो कभी भी गलती से डबल फीडिंग ना करें। दूसरा, बहुत ज़्यादा इसको जो है इस पर जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू बी वेरी सॉफ्ट और ये चलेगी। काफ़ी अच्छी गन है। इस गन के बारे में मैं अगर अपने ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, भूल जाते हैं कि आप हमारे वेबसाइट से खरीद रहे हो, अगर मैं इसको ऑनेस्ट दूँ तो लुक वाइज ये जब मैंने इसे पहली बार देखा था आई वाज सरप्राइज्ड, तो मैंने बहुत सारा सामान ये मंगा लिया था। मैं इसको 10 में से जो है 8 नंबर दूंगा, क्योंकि दिखता कमाल का है। इसका मैगजीन भी आप देख सकते हो, काफ़ी कूल लगता है, लेकिन जैसे ही आप इस गन को हाथ में लोगे तो उसमें मैं 10 में से 2 नंबर दूंगा। जब मैं चाइनीस गन खरीदता था वो लोग क्या करते थे, इसके जो ग्रिप है, ग्रिप के अंदर या तो मिट्टी डाल दिया करते थे या लोहे के छोटे छोटे जो है पार्ट्स डाल दिया करते थे, जिससे ये गन भारी हो जाती थी, तो हाथ में अच्छा फील होता है। ये क्या होता है, हाथ में लेते ही बचकाना फील होता है। ये पूरी गन 100 से 150 ग्राम की है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, बहुत हल्की गन है। इसकी लंबाई बट अच्छी है, साइज़ फुल ऑन फुल है, मैं आपको दिखाता हूँ उसकी साइज़। इसकी साइज़ रफली आप देख सकते हो 8 इंच बैरल से लेकर के पीछे तक है, पूरा 9 इंच के आसपास है लंबाई, आप देख सकते हो रफली 5.5 इंच की है, तो काफ़ी अच्छी गन है। ये YouTube वीडियोस के लिए काफ़ी अच्छी है, वेब सीरीज़ वगैरह में इसका काम हो सकता है, बाकी आप कलेक्शन में कर सकते हो, खेल सकते हो। छोटे बच्चों को मैं देना इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है उसे 2-4 दिन में तोड़ दें। अगर आपको कलेक्शंस में रखनी है तो आप इसे रख सकते हो। और इसे खरीदे कैसे, हमारी वेबसाइट है एयरसॉफ्ट गन इंडिया, वहाँ पे एयरसॉफ्ट कॉलम में जाएंगे, आप खरीद सकते हैं। सस्ती गन है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, और जो भी इसका प्राइस है उसमें ज़्यादातर जो पैसे हैं वो शिपिंग एंड पैकेजिंग का ही है, गन का कॉस्ट तो बहुत कम है। तो चलिए इसे आपको फायर करके दिखाते हैं, चलिए इसे फायर करते हैं। सो डालेंगे वॉच, कमाल की है, पावर तो इसका कमाल है, क्या बात है, कमाल। सरप्राइजिंगली ये बहुत एक्यूरेट है, कमाल की गन। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये गन पसंद आया होगा। जाइए ऑर्डर करिए, इसे परचेस करिए हमारे वेबसाइट पे जाकर के। ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप करिए, जो नंबर दिया हुआ है। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू गाइस।